नमस्कार दोस्तों, आज है 21 अगस्त 2019 और 21 अगस्त 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बड़ी डिटेल में समझेंगे, पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। दोस्तों यहाँ पर कल की डेट में एक पेपर हुआ था यूपीएससी का, सीएपीएफ का, जिसने भी दिया था आपको पता होगा। आजकल मैप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस वजह से मैं मैप कभी भी स्किप नहीं करता हूँ। इस वजह से यहाँ पर देखो, आज का जो सबसे पहला प्रश्न बना है वो बना है गुजरात को लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात का मैप, यहाँ पर इस तरीके से ये जो लाल कलर से आपको जगह दिख रही है ये है गुजरात, ठीक है। आप देखो गुजरात को लेकर क्वेश्चन क्या बना है वो समझेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन ये बना है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि भारत के पहले सेंट्रल केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। फिर से समझता, भारत के पहले, तो जाहिर सी बात है भारत का पहला है, इस वजह से ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो गया। सेंट्रल केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको गुजरात में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेना, सेंट्रल केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है इसको गुजरात में ओपन किया जा रहा है, तो ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं जिसमें कि इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट चल रहा है। साथ ही साथ में इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य रसायन क्षेत्र में प्रोग्रेस करने को लेकर इसको इंस्टीट्यूट को खोला जा रहा है। गुजरात की बात यहां पर हो रही है तो गुजरात की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, गांधीनगर यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। कल की डेट में यूपीएससी सीएपीएफ का जो पेपर था उसमें 95% से ज्यादा करंट अफेयर्स अपने ही कराए हुए आए थे, जिसने भी दिया होगा उसको पता होगा। सीएम का नाम है विजय रूपानी। गुजरात का मैप आपने देख लिया, ये आपको मैप दिख रहा है गुजरात का, लोकेशन दिखाकर भी मैप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गुजरात के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। और गुजरात से जुड़े करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बता दूँ, गुजरात में अभी रिसेंट में एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था वाहिली डिक्री योजना। इसको कहाँ पर शुरू किया गया था, इसको गुजरात राज्य में शुरू किया गया था। उसके अलावा अगर बात करी जाए रूफ टॉप सौर स्थापना के बारे में, यानी कि छत पर जो सोलर पैनल लगा होता है उसके बारे में, तो उसके बारे में गुजरात जो है पूरे राज्य का नंबर वन राज्य आता है। ये चीज़ भी पिछले महीने आपको करवाई थी। साथ ही साथ में भारत का पहला डिजाइन विकास केंद्र जो है इसको भी गुजरात में ओपन किया गया है। तो ये तीन प्रश्न यहाँ पर हो गए। इसके अलावा अभी रिसेंट में गुजरात और महाराष्ट्र एरिया में एक तूफान आया था जिसका नाम क्या है, उसका नाम था वायु, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र रीजन में आया था। साथ ही साथ में अगर बात करी जाए कपास, मूंगफली, नमक के उत्पादन में गुजरात जो है पूरे राज्यों में पहले स्थान पर आता है। गुजरात की वो सीमाएँ जो भारत के अलग राज्यों से टच करती हैं कौन कौन सी हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन एंड दीव, दादर और नागर हवेली, ये सभी गुजरात से टच करती हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए। दोस्तों गुजरात अपने लोक नृत्य की वजह से भी ज्यादा जाता है, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे कि गुजरात के कुछ फेमस लोक नृत्य कौन कौन से हैं, गरबा, डांडिया, भवई, रासलीला, लास्या, परिहारी, ये सभी गुजरात के फेमस डांस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। गुजरात का राजकीय पशु क्या है, ये अभी रिसेंट में रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, वो है एशियाटिक लॉयन जो है ये वहाँ का राजकीय पशु है। ये वाला प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों जिस तरीके से मैं वीडियोस बना रहा हूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और भी वीडियोस बनाने के लिए। डेली बेसिस पर ऐसे वीडियोज लाऊंगा, बस आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि अभी रिसेंट में जेसी बोस नेशनल फेलोशिप में किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है। तो ये जो जेसी बोस नेशनल फेलोशिप है इससे के थंगराज वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। के थंगराजा नाम के एक वैज्ञानिक को जेसी बोस नेशनल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आपको के थंगराजन का फोटो भी आपको दिखा देंगे जिसमें कि जिनको अभी जेसी बोस फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको ये जो उपलब्धि दी गई है ये चिकित्सा जीनोमिक्स के क्षेत्र में इनको उत्कृष्ट योगदान के उद्देश्य से इस पुरस्कार से सम्मानित, इस फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बना है विश्व मानवता दिवस किस दिन मनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो है ये किस दिन मनाया जाता है।
तो दोस्तों इसको मनाया जाता है प्रतिवर्ष 19 अगस्त को। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो है ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। आप यहाँ पर इसका फोटो भी देख सकते हैं, जिसमें कि इस बार का जो अभियान का थीम है वो है हैशटैग वीमेन ह्यूमैनिटेरियंस, इसका थीम हो जाएगा। जिस वजह से इस वाले फोटो में आप देख सकते हो साफ साफ लिखा है वीमेन ह्यूमैनिटेरियंस, और यहाँ पर देखो महिलाओं की ही फोटो यहाँ पर आपको दिख रही होगी, इस वजह से फोटो लगा दिया है सो दैट आपको जल्दी से याद भी हो जाए। तो 19 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, जो है 19 अगस्त को मनाया जाता है, जिसका थीम है वुमेन ह्यूमैनिटेरियंस। करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बनेगा, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जो है इसको भी 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। आप चाहें तो इन दोनों को कोरिलेट करके याद भी रख सकते हैं, इसको कोरिलेट करके अगर याद रखना चाहें तो ऐसे रख सकते हैं कि नॉर्मली जो लोग फोटो खींचते हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डालते हैं, ठीक है, किस किन चीज़ों की फोटो खींचते हैं लोग, अपनी अपनी फैंसी ड्रेसेस में फोटो खींचते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा सोचकर चलेंगे कि हमें मानवतावादी फोटो खींचनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियंस फोटो खींचना चाहिए, लोगों की कमी, लोगों के अंदर जो लोगों को जो हेल्प चाहिए होती, इस तरीके से मानवतावादी जो कार्य होते हैं उनकी फोटोज हमको लेनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कोरिलेट कर सकते हैं कि फोटो खींचना यानी कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और ह्यूमैनिटेरियन डे दोनों एक ही दिन मनाया जाता है 19 अगस्त को, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको कोरिलेट करना होगा सो दैट आप लंबे समय तक इसको याद रख पाए। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन की एक एंकर है जिनका नाम है नीलम शर्मा, का हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया था? बहुत ज्यादा न्यूज में आजकल चल रहा है, तो इनको 2018 में ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के हाथों से नारी शक्ति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था पिछले साल, साथ ही साथ में एक बार नीलम शर्मा का फोटो देख लेंगे, ये दूरदर्शन की एंकर भी एंकर हैं। तो इनको कैंसर की वजह से आपातकालीन इनकी मृत्यु हो गई है, और बहुत ही ज़्यादा डिसेंट वे में ये एंकरिंग करती हैं, जिस वजह से काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि एक शालीनता वाले दिवस का, एक शालीनता डिकेड का अंत हो गया, ठीक है। तो इनका नाम समझेंगे एक बार, नीलम शर्मा इनका नाम है, इनको नारी शक्ति पुरस्कार 2018 में प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया था। नारी शक्ति पुरस्कार लेते हुए इनका एक फोटो भी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, जिसमें आप देख सकते हैं रामनाथ कोविंद के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से नीलम शर्मा को सम्मानित किया गया है। महिलाओं को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है नारी शक्ति पुरस्कार। इस पुरस्कार को की शुरुआत हुई थी सन 1999 में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए नारी शक्ति पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था, तो वर्ष 1999 में नारी शक्ति पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी। अगला प्रश्न बनेगा, जलवायु परिवर्तन पर 28वीं बेसिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये जो 28वीं बेसिक मंत्री स्तरीय बैठक है इसको ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको ब्राज़ील देश में ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर ने इस बैठक में हिस्सा लिया है। ब्राज़ील में एक जगह है जिसका नाम है साओ पाउलो, वहाँ पर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर ये जो देश हैं जिसका नाम है बेसिक, ये भी पूछा जा सकता है कि बेसिक में कौन कौन से देश शामिल किए गए हैं। तो इसमें अगर आपको बता दूं, ब्राज़ील हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, भारत हो गया और चाइना, ये चार देश इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। इस समूह की स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना करी गई थी नवंबर 2009 में, ठीक है। इतनी सारी चीज़ आप लोग याद रखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे, 28वीं बेसिक मंत्री स्तरीय बैठक जो है किस चीज़ को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर ये जो बैठक है इसको ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज किया गया है साओ पाउलो में। करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, गुजरात वाला जेसी बोस वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो अभी हाल ही में एमसीसी जो क्लब होता है के हॉनरेरी लाइफ मेंबरशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर देखो एमसीसी क्लब में ऑनरेरी लाइफ मेंबरशिप से हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जिनका नाम है मिशेल जॉनसन को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, ऑनरेरी लाइफ मेंबरशिप मिशेल जॉनसन जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम से बिलोंग करते हैं।
करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में क्या है, किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में स्कूल पग डाबा योजना की शुरुआत करी है, या फिर कह सकते हो कि स्कूल पग डाबा जो है ये परियोजना भारत के किस राज्य में शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको भारत के मणिपुर राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें कि आप स्कूलों का फोटो भी देख सकते हो, जहाँ पर इसका मेन उद्देश्य क्या है। मणिपुर के जो सीएम है, जिनका नाम है एन बीरेन सिंह, उन्होंने स्कूल पगडाबा, जिसका मतलब होता है शिक्षा को और बेहतर बनाना, नाम की एक योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत वहाँ पर सरकार क्या करेगी, सरकारी स्कूलों की कंडीशन को सुधारने के उद्देश्य से इस योजना को चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 83 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया है। तो यहाँ पर देखो, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, जिनका की फोटो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, जो कि बिहार के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, उनका अभी हाल ही में दिल्ली में निधन हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का क्विज। उससे पहले आपको बता दूं, जिन लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर सही है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके ले सकते हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, 95% से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे वीडियो से ही आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन है कि अभी रिसेंट में ऑर्डर ऑफ जायद से भारत के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। अभी रिसेंट में चेक गणराज्य में आयोजित एथलेटिक मिटिक रिटर इवेंट में हिमा दास ने कितने मीटर में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अंडर 12 एशियन टीम टेनिस चैंपियनशिप 2019 को किस देश ने जीत लिया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2019 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। दोस्तों सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरीके से और भी अच्छे से अच्छे वीडियोस लेने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, सो दैट मैं मोटिवेट हूँ। मैं मोटिवेट हुआ तो ऐसे वीडियोस और बनाते रहूँगा। करंट अफेयर्स 2019 में आपका इसी तरीके से डेली स्वागत है।